आज की ये वीडियो है बटरफ्लाई स्मार्ट टेबल टॉप वेट ग्राइंडर की डेमो एंड रिव्यू के बारे में। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आर्ट ब्रिंग्स पीस। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू गिव इट अ थम्स अप एंड इफ यू हैवंट येट सब्सक्राइब टू माय चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन फॉर फ्यूचर वीडियोज रिगार्डिंग ऑनेस्ट रिव्यूज, DIY एंड क्राफ्ट वीडियोज एंड मेनी मोर टॉपिक्स। तो चलिए बिना किसी डिले के वीडियो शुरू करते हैं। ये है बटरफ्लाई स्मार्ट टेबल टॉप वेट ग्राइंडर की बेस यूनिट एंड दिस इज इट्स सेंटर शाफ्ट विच इज फिक्स्ड ऑन टू द बेस यूनिट। और ये है ग्राइंडर का ऑन ऑफ बटन, सिंपली प्रेस इट टू एक्टिवेट द ग्राइंडर। बेस यूनिट के नीचे वेंटिलेशन होल्स हैं तो इसलिए इसे यूज करते टाइम इसके नीचे कोई भी प्लास्टिक की शीट या फैब्रिक स्प्रेड ना करें, इससे इसके वेंट्स ब्लॉक हो जाएंगे। बटरफ्लाई वेट ग्राइंडर की पावर कंजम्पशन है 150 वॉट्स एंड इट्स कैपेसिटी इज 2 लीटर्स। इसकी वायर की लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली 5 फीट एंड इट्स प्लग इज अ 3 पिन प्लग। बटरफ्लाई वेट ग्राइंडर कम्स विद अ स्टेनलेस स्टील ड्रम। इट्स कैपेसिटी इज 2 लीटर्स एंड इट्स बेस इज मेड ऑफ स्टोन। दिस सर्कल एट द बेस ऑफ ड्रम फिट्स इन टू द सेंटर शाफ्ट ऑन बेस यूनिट ऑफ द ग्राइंडर। सिंपली इस ड्रम को सेंटर शाफ्ट पर प्लेस करें एंड रोटेट करके इसे बेस पर प्रॉपरली फिक्स कर लें। दीज आर दी रोलर स्टोन्स। दिस पर्टिकुलर मॉडल कम्स विद 2 रोलर स्टोन्स। वैसे 3 स्टोन्स वाला मॉडल भी मार्केट में अवेलेबल है। स्टोन्स के बेस पर इस तरह का एक होल है जो कि ड्रम में फिट होगा एंड दिस इज द स्क्रैपर विच इज ऑलरेडी फिटेड ऑन टू द रोलर स्टोन्स। अब ये पार्ट जो है ये ड्रम में यहाँ पर इस तरह से फिट होगा। रोलर स्टोन्स काफ़ी हैवी हैं सो प्लीज़ हैंडल दीज केयरफुली एंड इन्हें ड्रम में काफ़ी आराम से प्लेस करिएगा। नेक्स्ट ये है ग्राइंडर का लॉक नॉब। इसमें यहाँ पर एक स्क्रू है। ड्रम को बेस यूनिट पर लॉक करने के लिए इसे सेंटर शाफ्ट पर स्क्रू करेंगे। अगर आप कोर्स ग्राइंडिंग चाहते हैं तो इसे लूजली स्क्रू करें और अगर आप फाइन ग्राइंडिंग करना चाहते हैं तो लॉक नॉब को टाइटली स्क्रू करें। ग्राइंडिंग ड्रम के साथ यूज़ करने के लिए हमें ये एक ट्रांसपेरेंट लिड भी मिलता है। इसे होल्ड करने के लिए इसके टॉप पर एक हैंडल है एंड इसे लॉक नॉब पर प्रॉपरली फिट करने के लिए यहाँ पर इस तरह से 4 रिजेस दी गई हैं। लॉक नॉब पर लिड को प्लेस करके सॉफ्टली प्रेस करने से ही ये ड्रम पर फिट हो जाएगा। एंड नाउ इट इज रेडी टू बी यूज्ड। ये है कोकोनट स्क्रेपर के साथ यूज करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट ट्रे। इसके सेंटर में एक होल है जो कि सेंटर शाफ्ट में इस तरह से फिट होगा। ये है कोकोनट स्क्रेपर। इसके टॉप पर कोकोनट को स्क्रेप करने के लिए कटर्स लगे हुए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा शार्प हैं। इसके बेस पर भी एक होल है जिससे कि ये सेंटर शाफ्ट में फिट होगा। साथ ही बॉक्स में इसका ये एक मैनुअल कम वारंटी कार्ड भी मिलता है। इसमें इसके पार्ट्स के नेम्स, ऑप्शनल अटैचमेंट्स, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, यूसेज के रिगार्डिंग डूज एंड डोंट्स, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ग्राइंड करने के लिए टाइम चार्ट, ऑपरेटिंग प्रोसीजर, सेफ्टी एंड क्लीनिंग इंस्ट्रक्शंस बहुत ही डिटेल में दी गई हैं। एंड लास्टली इस प्रोडक्ट का वारंटी कार्ड भी दिया गया है। तो चलिए अब टेबल टॉप वेट ग्राइंडर को यूज़ करके देखते हैं। ये राइस एंड दाल मैंने ओवरनाइट सोक किए हैं। ग्राइंड करने के लिए हमें पानी की भी ज़रूरत है। सबसे पहले ग्राइंडर को प्लग इन करके स्विच ऑन कर लीजिए एंड देन ऐड सम वाटर टू द ड्रम। पानी डालने के बाद इसमें इंग्रेडिएंट्स डालें एंड देन स्विच इट ऑन। वीडियो में मैंने पहले इंग्रेडिएंट्स डाले हैं और उसके बाद मैंने पानी डाला है, बट आई एम सॉरी दैट वॉज रॉन्ग। आइडली ऐड वाटर फर्स्ट देन स्विच ऑन द ग्राइंडर एंड ग्राइंडर को ऑन करने के बाद फिर आप उसमें धीरे धीरे करके इंग्रेडिएंट्स डालें और साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा करके पानी भी डालिए। इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद आप ड्रम को कवर कर दीजिए और बीच बीच में इसका लिड हटा के बैटर की कंसिस्टेंसी चेक करते रहिए। लेकिन प्लीज़ ड्रम में अपना हाथ बिल्कुल भी मत डालिएगा, ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। ऑपरेटिंग ड्रम में हाथ डालने की बजाय आप कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए इसके साथ ही जो एक स्पैचुला मिला है आप उसका यूज़ करें। आप चाहें तो दाल और चावल को अलग अलग भी ग्राइंड कर सकते हैं, बट मैंने एक साथ ही ग्राइंड किए हैं। एक्चुअली दाल ज़्यादा फाइन चाहिए थी मुझे, तो इसलिए मैंने दाल को ड्रम में पहले डाला है
और चावल थोड़े कोर्स चाहिए थे, तो इसलिए मैंने चावल बाद में ऐड किए हैं। ऐसा करने से टाइम बचता है, बट स्टिल अगर आप चाहें तो दोनों चीज़ों को अलग अलग भी ग्राइंड कर सकते हैं, उसमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। दाल को अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट ग्राइंड करने के बाद अब फाइनली मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ। एंड इन बिटवीन दाल एंड चावल मैंने इसमें पोहा भी ऐड किया था, वो भी मैंने पहले सोक कर लिया था। राइस ऐड करने के बाद इसे बीच बीच में स्क्रेपर की हेल्प से ड्रम की साइड से स्क्रेप करते रहिए और साथ ही साथ रोलर स्टोन की साइड से भी मिक्सचर को स्क्रेप करते रहें। अदरवाइज दाल चावल या जो भी इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ग्राइंड कर रहे हैं वो या तो ड्रम की साइड्स पर या रोलर स्टोन की साइड्स पर, इनर या आउटर साइड्स पर चिपक जाते हैं एंड प्रॉपरली फिर ग्राइंड नहीं हो पाते। तो इसलिए इवन ग्राइंडिंग के लिए स्क्रेपिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल दो वन स्क्रेपर इज़ फिटेड विद द रोलर स्टोन्स, बट दैट्स नॉट इनफ। अगर आप ही स्क्रेपिंग करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फाइन ग्राइंडिंग आती है, एंड प्लीज़ बी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग दिस। ओके, सो जिस डायरेक्शन में ड्रम रोटेट कर रहा है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हम स्क्रेपिंग करेंगे। सो इज़ विद द व्हील्स, रोलर स्टोन्स की स्क्रेपिंग भी उनकी रोटेशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में ही करें। And please, please, please be very careful while scraping. Don't put your hand into the operating drum. Always use the spatula to do this. And one spatula comes with the butterfly tabletop wet grinder. Dosa batter अब ready है, तो grinder को press button को press करके off कर लीजिए. Then इसके lock knob को unscrew कर लीजिए. इसके बाद roller stones को drum में से निकाल कर clean कर लीजिए and also empty the drum. ड्रम को उठाते टाइम हमेशा इसके बेस को सपोर्ट करें, क्योंकि इसके बेस पर जो स्टोन है वो ग्लू किया गया है। ड्रम उठाते टाइम बेस पर हाथ ना रखने से ये स्टोन निकल भी सकता है। बैटर बोल में निकालने के बाद इसे फर्मेंटेशन के लिए रख दें, एंड फर्मेंटेशन का टाइम डिपेंड करेगा सीजन पे। जैसे अगर समर है तो कम टाइम में ही फर्मेंट हो जाएगा, लेकिन अगर विंटर है तो आपको ज़्यादा देर तक फर्मेंटेशन करनी पड़ेगी। फर्मेंटेशन के लिए अब इस बोल को किसी वार्म प्लेस में रख दें। आफ्टर अबाउट 8 hours इट्स डन। नाउ यू मे मेक इडली और डोसा एज पर योर चॉइस। इसके आगे अब हम कोकोनट स्क्रेपर को भी यूज़ करके देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रे को शाफ्ट पर फिट करें एंड देन फिट दी स्क्रेपर ऑन टू दी शाफ्ट। ग्राइंडर को स्विच ऑन कर लीजिए एंड आधा कोकोनट लीजिए अलॉन्ग विद इट्स आउटर शेल। इसे स्क्रेपर के ऊपर फिट करिए एंड ग्राइंडर के प्रेस बटन को प्रेस कीजिए। स्लोली कोकोनट श्रेड होने लगेगा। मैनुअल के अकॉर्डिंगली एक कोकोनट स्क्रेप करने में 10 मिनट्स लगते हैं, बट मैं इसे कंप्लीट नहीं कर पाई बिकॉज आई फाउंड इट वेरी डेंजरस। So that's all about today's video. I hope you find it useful. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है then please do like it and share it with your family and friends. And साथ ही साथ मुझे comment करके ज़रूर बताइएगा कि आपको butterfly tabletop wet grinder कैसा लगा. Thank you so much for staying with me till the end. See you next time with another video. Till then take care. Bye bye.